साथियों, कान्हा शांति वनम को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल कहा जा रहा है। जब इस हॉल में 1,00,000 लोग एक साथ ध्यान लगाएंगे तो जो ऊर्जा यहाँ पैदा होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कान्हा शांति वनम में जिस परंपरा, जिस संस्कृति को हम जी रहे हैं, वो हजारों वर्षों के एक सतत प्रवाह से निरंतर समृद्ध हुई है। इसमें हमारे संतों की, हमारे तपस्वियों की समृद्ध परंपरा का, समृद्ध विरासत का और अथक एक निष्ठ प्रयासों का प्रतिबिंब है। कान्हा शांति वनम इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आज आपके प्रयासों से 160 से ज्यादा देशों के लोग सहज मार्ग पद्धति से योग को अपनाए हुए हैं। जो सच्चा साधक है उसे आप पूरी निष्ठा से योग और ध्यान से परिचित कराते हैं। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। हर ध्यान, हर घर ध्यान, हर दिल ध्यान, ये आपका संकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सेवा कर रहा है। पूज्य लाला जी, पूज्य बाबू जी, पूज्य चारी जी और पूज्य दाजी, ज्ञान और ध्यान की एक निर्मल धारा है जो यहां निरंतर प्रवाहित होती रही है। दुनिया में भली भांति के अधिकारों की चर्चा होती है, लेकिन बाबूजी मानते थे कि चेतना का विकास हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। और दाजी की विनम्रता के तो हम सभी कायल है। कहीं रास्ते में मिल जाए तो पता नहीं चलेगा ये वो महापुरुष है। समाज जीवन में मुझे अनेक महान प्रेरकों से मिलने का, उनके दर्शन करने का, कभी उनसे सत्संग करने का भी सौभाग्य मिला है। और मैं आज कह सकता हूं से उसमें दाजी भी एक है। एक तरफ उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया तो दूसरी तरफ वो एक आध्यात्मिक सामाजिक संस्था का दायित्व भी संभाल रहे हैं। ये उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन के ध्येय की तलाश में है। दाजी के मार्गदर्शन में कान्हा शांति वनम जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो देखकर मन को बहुत संतोष मिलता है। पूज्य दाजी और श्री रामचंद्र मिशन ने जिस प्रकार
साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है, वो भी वर्तमान युग और आने वाले युग में एक सशक्त भूमिका अदा करेगा।